रायबरेली लड़े राहुल गांधी आमेथी लड़े केएल शर्मा आज नामांकन शेष तारीख थी बेले शेष मुहूर्त में कांग्रेस आमेथी एवं रायबरेली प्रार्थी घोषणा कर राहुल गांधी रायबरेली आसन में नामांकन भरवे एवं जाए पारंपरिक आसन आमेथी लड़ुता बेले प्रथम थर पर राहुल सीट बदल से राहुल आमेथी स्मृति ईरानी हारी जाते जाऊणीश्रे रायबरेली सोनिया गांधी जीतिता बेले एवं राज्यसभा को जाते तेनाली आसन में एथर राहुल गांधी लड़े राहुल गांधी केरल वायनाड लड़ुंट सेपटे सोनिया गांधी को अति निकटतर कहुता केएल शर्मा प्रथम थर पर निर्वाचन मैदान को ओह्लाई मे 20 तारीख में उभय रायबरेली आमेथी निर्वाचन हो दुई आसन गांधी नेहरू परिवार परंपरागत आसन रहा बेले एथर प्रथम थर पर अण गांधी परिवार सदस्य लड़े तेरे प्रियंका गांधी निर्वाचन मैदान को ओह्लाई सेपटे आमेथी स्मृति ईरानी पुणि थे प्रार्थी होता बेले सेपटे रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह को प्रार्थी करिछि बीजेपी सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का भारी हूं जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूंगा क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, मैं आभारी हूँ उनका। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पर उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में। उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आने वाला जो पांच चरण का चुनाव है, पांचों चरण के चुनाव पे जबरदस्त असर पड़ने वाला है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग, पीछे नहीं हट सकते। 30 से 35 साल उन्होंने गांधी परिवार के लिए इसी अमेठी की धरती पर दिया है। पैदल चल करके उन्होंने यहाँ पर काम किया है। एक एक बूथ, एक एक जन, एक एक कांग्रेस के साथी आज जो नेता बने हैं सब शर्मा जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। सबने अच्छे से काम किया है, कहीं इस बात की कोई वो नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में वो भी गांधी परिवार के सदस्य ही, अमेठी के लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक भारी विजय हासिल होगी। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी।